मुझे तो ये जानना है ये जो काम हुआ है इसको बीएमसी को जानकारी थी या नहीं वर्क तो no. exactly, no, yes. so, मैं, मैं पूछना चाहता हूँ की इस पर अभी एफ लेगी बी या नहीं लेगी वी कैन वी कैन रिपोर्ट इट टू दायर ऑटरी नहीं नहीं एन ओ सी कैसे रहता है सेक्रेटरी को दिया रहता है की आप अपनी इंटरनल ये करिए और फिर हमको अवगत के लिए उसके बारे में तो इसके बारे में अवगत नहीं किया गया था यही हमारा स्टैंडर्ड टिल नाउ तो देखते हैं क्या इसकी जानकारी बीएमसी को नहीं थी तो एफ आई आर इस पर होना चाहिए क्या नहीं सा? देखते हैं ना वो प्रोसेस है इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या है देखते हैं और देखते पूछ के आपको बता देते हैं ये काम बीएमसी ने की थी या नहीं की थी सर बी ने की थी बी ने नहीं की थी ये इट इज टोटली इंटरनल लाइन ओके टोटली इंटरनल लाइन टू दिन नो नो नहीं ये जो फंड जिसने लगाया है या जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो कमेटी है इन्होंने बेकायदे सिर जनता के जान से खिलवाड़ किया है हम जानवर लोग को भी अच्छा स्वच्छ पानी दिया जाता है तो आज के तारीख में मनुष्य प्राणी को जान की कीमत नहीं है उनको गटर का पानी पिलाया जाएगा अगर ये जो कोई इसमें इन्वॉल्व है कौन सत्यपाल करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो बीएमसी ने बोला है उसके ऊपर एफआईआर होना जरूरी है या आप, आपके माध्यम से बंधु न्यूज़ के माध्यम से जो नज़र में आया है लोगों के वही गीता नगर ने सवाल करना चाहिए जिसने ये फंड वापरा है ये फंड वापरना भी एक सिस्टम होता है बीएमसी को जाके बताना पड़ता है प्लानिंग डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि यूटिलिटी कितना है क्या है और आप बंधु न्यूज ने कल बोला गया था कि इधर तो भी महापौर शिवसेना की आज भी बोल रहे हैं इसलिए हम इधर जगह पे आए कि अच्छा होता है तो इलेक्टेड पार्टी करता है भाई नेता ने किया अच्छा काम और खराब काम होता है तभी बी ने किया बी एम सी किस की शिवसेना की तो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जाता है स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में मैं हूँ अभिषेक और हाल ही में हमने एक विषय उठाया था जहाँ पर ड्रेनेज के लाइन से पानी का लाइन जा रहा था और हमने ये विषय उठाकर ये रहवासियों से और आम जनता से ये निवेदन किया था कि हाँ आप लोगों को जो पानी का पानी का लाइन में से जो गंदे पानी आ रही थी वो कहीं ना कहीं ये ड्रेनेज लाइन से जा रहा था पानी का लाइन इस कारण आ सकता है ये हमने ऐसा विषय उठाया था आम जनता के सामने इसलिए हमने ये कहा था पिछले वीडियो में अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे तो हमने ये कहा था कि ये जो काम हुआ है जो गटर के अंदर से पानी का पाइपलाइन जा रहा है आ, हमने ये आ, आम जनता से भी निवेदन की थी और सिस्टम से भी निवेदन की थी और एनी पॉलिटिकल पार्टी से भी निवेदन की थी कि ये सही किया जाए और इसी के बाद हम विषय कह रहे थे कि बीएमसी में कहीं ना कहीं शिवसेना का नाम आता है क्योंकि वहाँ पर सिटिंग मेयर है किशोरी पेड़नेकर हु इज़ रिप्रेजेंटेटिंग फ्रॉम शिवसेना एंड देर इज़ टू टू सिक्स के कॉरपोरेटर हर्षिता नार्वेकर एंड शी इज़ फ्रॉम भाजपा वो भाजपा से uh, कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ के अमदार है uh, यहाँ के एम एल ए है स्थानीय एम एल ए है और राहुल नार्वेकर जो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को भाजपा को जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर अभी खुदाई चल रही है और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रस्तों के नीचे हमने इसका पहले का भी चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर कैसे रास्ता था और अभी इसको खोदने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं रस्तों के नीचे गटर गटर दिख रहा है गटर का जो ऊपर का भाग होता है वो दिख रहा है तो हाल ही में अभी गटर को ओपन किया गया है अभी मैं बताऊँगा आपको कि गटर के अंदर ही जो ड्रेनेज लाइन जा रहा है बीचों बीच में से लाइन जा रहा है इसका दृश्य पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था और इस वक्त अभी इंस्पेक्शन के लिए बीएमसी के बीएमसी के ऑफिसर्स आ चुके हैं हम उनसे भी पूछेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर बात है कि मैंने आप लोगों को पूछा पूछा गया था कि ये जो काम हुआ है ये आरोप लगाए तो लगाए किससे आम जनता अगर पूछेगी कि आरोप किस पर लगाया जाए तो ये काम किसका हुआ है हम बी से सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये क्या क्या है एक्चुअल में हमको बताइए तो सबसे पहले तो सर देखिए दृश्य देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था ये दृश्य कि पाइपलाइन बीच में से जा रहा है और हमने यही पूछा था कि आरोप किस पर लगाए हम यहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और हम यहाँ पर देखेंगे उनसे ही जानेंगे कि इस इस वक्त किस तरह से काम हुआ था उस और इसका जानकारी बीएमसी को है या नहीं है सबसे पहले तो सर आपको बताना पड़ेगा सर मुझे बताइए तो कि ये आ, ये आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी सर, सर नहीं, नहीं नहीं उनको बोलना पड़ेगा सर बिकॉज दिस इज़ नॉट प्लीज़ हमको अवगत नहीं करें आपको बोलना पड़ेगा सर बिकॉज लोगों को जानना है कि यहाँ पर ये जो काम हुआ है इसमें अगर यू आर नोटोराइट पर्सन राइट नाउ देन प्लीज कॉल एंड मेक अ कॉल एंड टॉक टू यस यस वी वी कैन कैन रिपोर्ट इट टू द हायर अथॉरिटी सबसे पहले मुझे तो ये जानना है कि ये जो काम हुआ है इसको बीएमसी को जानकारी थी या नहीं यस और नो सर यस नहीं नहीं नो 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 वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वर्क नो दिस दिस इज इज रॉन्ग वर्क तो मैं मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर अभी एफआईआर लेगी बीएमसी या नहीं लेगी उनसे बात की देख तो है, है, ले सकते है देख सकते है हम लोग कार्रवाई करेंगे ना जिसमें एन ओ सी दी गई थी नहीं एन ओ सी कैसे रहता है सेक्रेटरी को दिया रहता है की आप अपनी इंटरनल राइट ये करिए और फिर हमको अवगत करिए उसके बारे में तो इसके बारे में अवगत नहीं किया गया था यही हमारा स्टैंडर्ड टिल नाउ उसके तो आगे देखते हैं क्या इसकी जानकारी बीएमसी को नहीं थी तो एफ इस पर होना चाहिए क्या नहीं सर देखते हैं ना वो प्रोसेस है इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या है देखते हैं और देख के पूछ के आपको बता देते हैं तो ये दे काम बीएमसी ने की थी या नहीं की थी सर जब बी एम ने की थी बीएमसी ने नहीं की थी ये इट इज टोटली इंटरनल लाइन ओके इंटरनल लाइन टू दिटर नो नो नहीं तो सबसे पहले तो ये पता चल रहा है जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर अधिकारी आए हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये बीएमसी ने नहीं किया था ये बीएमसी का इसके अंदर एनी सॉर्ट ऑफ ये नहीं है uh, लेन देन नहीं है इसका काम बीएमसी ने नहीं किया था तो अभी प्रश्न उठ जाता है कि, कि किसने किया था फिर काम हमने ये भी बोला था महेंद्र जी जिस वक्त आप यहाँ पर प्रस्तुत थे हम आपसे पूछे थे कि बीएमसी में मेयर शिवसेना की है तो कहीं ना कहीं का ये काम आरोप आप पर भी लगता है कि ये शिवसेना ने किया था क्या शिवसेना को इसकी जानकारी थी क्या नहीं बिकॉज यहाँ के सर आप शाखा प्रमुख हैं हमें ये भी जानना है कि तो सर अगर बीएमसी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो ये क्या इसका क्या है बताइए सर मैंने जैसे कि कल आपको बताया गया था कि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अपनी मन मर्जी चलाते क्योंकि दबाव यहाँ पे दबाव यहाँ के लोकल जितने जो विधायक हैं नगर सेवक है इनके दबाव में ये सिर्फ लोगों को देना जानते हैं ये किस तरीके से देना जानते हैं अभी आपने देखा कि बीएमसी के यहाँ ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या बोला कि ये बीएमसी को इसका अल्टीमेशन ही मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं इन लोग बताना चाहते हैं कि बी एम में सत्ता किसकी है शू शेने की तो शू शेने को बदनाम करो ऐसा कुछ गलत काम रहेगा तो बदनाम किसको करने का शू शे को यही इनका काम है तो सबसे पहले तो यहाँ के उप विभाग प्रमुख है हमारे साथ पवले सर है जो यहाँ पर अभी प्रस्तुत है ही इज प्रेजेंट राइट नाउ ऑन द सिचुएशन गोइंग ऑन बीएमसी ने कहा बीएमसी ने बोला हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रश्न उठ जाता है कि ये फिर काम किया किसने मैंने ये भी बोला था कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अब बी में मेयर शिवसेना की है और इस तरह का काम बी नहीं कर रही है तो किस कौन कर रहा है आम जनता को ये जानना है सर तो मुझे बताइए इसके बारे में वार्ड इज एक्चुअली अभी देखिए कल आपने जो इधर की अवेयरनेस किया था उसके आधार पे कल हमने वार्ड में चले गए थे ए वार्ड में और उधर मार्शलकर साहब मिले थे जो अभी आपने उनसे बातचीत की उनसे अपने को पता चला कि आ, हमने इनकी पूछा ऐसे ऐसे आपका है बोलते हमार हमने इससे ये काम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है मैंने बोला आप कैसे बोल सकते हो आपके कारण हम बदनाम हो रहे हैं हमारा पार्टी बदनाम हो रहा है तो बोले मेरे पास प्रूफ है तो इनका ये प्रूफ है कि ये प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हाँ कि इधर गीता नगर रहीवासी संघ को कुछ महीने पहले ये जूनी लाइन है गटर का पानी और पीने का पानी मिक्स होता था इसके कारण बीएमसी ने उनको बोला गया था कि आप तरी अपन अपने अंतर्गत जलवाहिनी त्वरित दुरुस्त अथवा बदलून घावी व त्याबाबत या विभागस अवगत करावे मीन्स बीएमसी जो बोल रही है हमें इसका पता नहीं है इसका मतलब ये होता है कि जब इन ये आदर, ये लाइन के आधार पे क्या होता है कि जब आप काम चालू करोगे तो हमको इंटीमेट करो जो उन्होंने इंटीमेट किया नहीं है इसलिए बीएमसी बोल रही है ये फ़ंड हमारा नहीं है ना ये काम हमने किया है तो हम बोलते हैं हम बोलना चाहते हैं हमने अधिकारी को बोला भी भाई पाइपलाइन फंड तो कोई भी डालेगा पानी कौन देता है पानी तो बी देगा ये तो समझो आपके माध्यम से बंधु न्यूज़ चैनल के माध्यम से आ, आम जनता को पता चला स्लम्स वाले को पता चला रहिवासियों को कि ये ड्रेनेज लाइन में से जा रहा है तो जो पहले ये जो लेटर दिया है कि कुछ महीने या साल पहले जो प्रॉब्लम इनको होता था गटर का पानी वाटर पीने का पानी मिक्स होता था ये तो कल भी होगा तो ये जो फ़ंड जिसने लगाया है या जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो कमेटी है इन्होंने बेकायदे सिर जनता के जान से खिलवाड़ किया है हम जानवर लोग को भी अच्छा स्वच्छ पानी दिया जाता है तो आज के तारीख में मनुष्य प्राणी को जान की कीमत नहीं है उनको गटर का पानी पिलाया जाएगा ये क्यों अभी ऐसा है सर कि हम 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 ये हैं हम पानी के विरुद्ध में हैं नहीं पानी सबको मिलना चाहिए आपको पता भी है अब हम सबको पता है आदमी गुजरने के बाद भी उसको पानी पिलाया जाता है तो पानी के विरुद्ध में हम नहीं है लेकिन आप इलेक्शन आ रहे हैं जनता को दिशा भूल कर रहे हैं और गटर का पानी पिलाएंगे तो जनता ये जागनी चाहिए अभी अगर ये जो कोई इसमें इन्वॉल्व है कौन सत्यपाल करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो बीएमसी ने बोला है उसके ऊपर एफआईआर होना जरूरी है या जो कमिटी हो हु एवर इज़ इन्वॉल्व इन दिस वो कौन सा शासकीय फंड हो एम फंड हो कॉरपोरेटर फंड हो और किसी का प्राइवेट फंड हो उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है दर्शकों हम आपसे बताना चाह रहे थे पहले भी कि ये इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है बीएमसी का नहीं है कहीं ना कहीं शिवसेना यहाँ पर प्रस्तुत है शिवसेना कह रही है कि ये बहुत गलत बात है और इसके इसके अगेंस्ट में हम साफ तौर से दिख रहे हैं कि शिवसेना यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देते हुए अब यहाँ पर हमारे शाखा प्रमुख है टू टू के जो गीता नगर के लिए काफ़ी सालों से काम करते थे आपको पूछना चाहूँगा कुछ वक्त पहले हम भी निचले स्थल पर दौरा कर रहे थे गीता नगर में उस वक्त गीता नगर बोल रही थी पानी नल में गंदा आ रहा है क्या ये कारण हो सकता है गीता नगर में पानी गंदे आ रहे हैं गीता नगर में पानी गंदा आ रहा था क्योंकि उनके जो पहले की जो लाइन है वो यहाँ से गई है सामने से और उसके ऊपर बहुत साल पहले गई लाइन डाली गई थी वहाँ पर कुछ गटर लाइन्स वगैरह आए पर वही प्रॉब्लम उन्होंने मोर्चा लिया है कि पानी ख़राब आता है और आपको मैं बताना चाहता हूँ गीता नगर में कोई पानी पीता नहीं है बीएमसी का क्योंकि पानी अभी भी आज भी गंदा पानी आता है सबके घर में बिस्लरी वगैरह बॉटल अरेंज करते कोई कहाँ से भी करते सर, पर अभी पानी तो इसमें से आएगा ही ना ये पानी का पाइपलाइन का क्या है अभी आया है इलेक्शन नज़दीक आया है किसी ने वादे किए हैं कि हम आपको पाइपलाइन देंगे नारल फोड़ के गए दो चार दिन पहले दो चार महीने पहले या एक महीना पहला मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप जो उनको जो समस्या है पुरानी जो गटर लाइन के अंदर से पाइपलाइन गए वो ही आपने किया है ये काम आप सिर्फ टेम्परवरी काम कर रहे हैं परमानेंट काम नहीं कर रहे हैं अनाधिकृत बोल सकते हैं अनधिकृत मतलब उनको कुछ लेना नहीं देना उनको कुछ लेना नहीं है सिर्फ इलेक्शन के तलक काम करना है और छोड़ देना है फिर बाद में वही प्रॉब्लम होने वाला है गीता नगर के लोगों ने यही ऑब्जेक्शन अभी हम या आप, आपके माध्यम से बंधु न्यूज़ के माध्यम से जो नज़र में आया है लोगों के वही गीता नगर ने सवाल करना चाहिए जिसने ये फ़ंड वापरा है ये फंड वापरना भी एक सिस्टम होता है बीएमसी को जाके बताना पड़ता है प्लानिंग डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि यूटिलिटी कितना है क्या है फिर उसके बाद कुछ सीधे इधर से दादागिरी सीधे बीएमसी को इसकी जान करके ये पाइपलाइन डाली गई है और ये पूरी गलत लाइन है क्योंकि गटर लाइन में से हम भी घर में पाइपलाइन करते तो हमारा टॉयलेट के बाजू में से लाइन लेते ये तो सीधा सीधा गटर के लाइन में से लेके गए कल वो गीता नगर के लोगों को पता चलेगा तो वो उधर कपड़ा भी नहीं धोएंगे वो पानी से ऐसी समस्या है उनकी सर कॉन्ट्रैक्टर पर कहीं ना कहीं दर्शकों मैं तो सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि ये जो पाइप ये जो आ, ये जो पाइपलाइन है वो काफ़ी गलत है सिस्टम को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर जो इंस, इंस्पेक्शन करने के लिए जो ऑफिसर आए थे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स पर एफ होना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्टर से भी हम बात करेंगे और उसकी भी इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो फिर आगे क्या प्रश्न उठता है कि आगे सिचुएशन होगा क्या गीता नगर को इसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी यहाँ पर जो संस्था अवेलेबल है गीता नगर में जिनके ऊपर ये फंड पास किया गया है उस संस्था को इसका नॉलेज है या नहीं है इसकी हर एक जानकारी हम आपको आप तक का पहुंचाएंगे सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ के नगर सेवक यहाँ की नगर सेवक टू टू सिक्स की हर्षिता नार्वेकर जी जो भाजपा से रिप्रेजेंट करती है उनको इसका नॉलेज है और सर मुझे लास्टली आपसे ये पूछना है कि बी को इसका नॉलेज नहीं था ठीक है ऐसे ही काम काफ़ी काफ़ी जगह पर और भी हुए हैं हाँ मुझे मुझे ये पूछना था कि अगर ये सिस्टम से काम नहीं किया जा रहा है तो ये टेम्प्रेरी है देखिए ये सब चीज़ टेम्प्रेरी है आपके पास शासन फंड देती है आपको जिताती है आप अवश्य जनता की सेवा करने का सहयोग आपको मिला है प्राप्त होता है तो आप कीजिए आप अगर दस काम कर सकते हो तो दस ही काम करिए बट कॉन्क्रीट करिए पक्का करिए जो जनता को जीवन भर मिल सकता है अब दस काम के बदले आप पचास काम करने जाओगे और लोगों को दिशा भुल करोगे पाइपलाइन डालोगे पाइप में पानी नहीं आता है दो महीने के बाद आएगा चार महीने के बाद आएगा ये जो दिशा भूल किया जाता है ये झूठ बोला जाता है ये किधर तो भी बंद होना चाहिए जनता को खोटा आश्वासन देना नहीं चाहिए आपके पास आप खुद का तो फंड नहीं डाल रहे हो आप बीएमसी फ़ंड वापरोगे स्टेट फंड वापरोगे वापर कौन सा भी फंड वापरोगे तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उसका योग्य रीत से कायदेशीर इलीगल कौन सा भी काम होना नहीं चाहिए और आप बंधु न्यूज़ ने कल बोला गया था कि इधर तो भी महापौर शिवसेना की आज भी बोल रहे हैं इसलिए हम इधर जगह पे आए कि अच्छा होता है तो इलेक्टेड पार्टी करता है भाई नेता ने किया अच्छा काम और घर काम होता है तभी बीएमसी ने किया बीएमसी किसकी की शिवसेना की तो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जाता है इसलिए हमने ये विषय आपके माध्यम से हम गए हम एक्चुअली हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये जन जागृति किया और स्लम्स के रहवासियों को ये आप घर घर में जाके आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा की असलियत क्या है तो तो दर्शकों अपनी आवाज़ उठाइए कॉन्ट्रैक्टर से हम जल्द ही मिलेंगे यहाँ के नगर सेवक नगर सेवक से हम इसके इस विषय पर उनकी टिप्पणी चाहेंगे और भी इस पर काफ़ी लोगों से हम बात करेंगे तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ इस विषय को शेयर कीजिए लोगों तक का पहुँचाइए गीता नगर रहवासियों तक का पहुँचाइए